वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज वीडियो रे आमे देखिबा सह समीकरण पाठर किछि प्रश्नावली। तो चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिबा। तो प्रश्न रे दिया जाय छि के रो केउ मूल्य पई 4x + ky + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 समीकरण दुईटी रो अनन्य समाधान संभव। तो प्रश्न रे कह जाय छि के रो केउ मूल्य पई एवं समीकरण दुईटी दिया जाय छि 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0। तो समीकरण दुईटी होची 4x + ky + 8 = 0 यहा वेगला हमरो समीकरण 1 एवं सेकंड समीकरण होची 2x + 2y + 2 = 0। तो एठारे आमको के रो केउ मूल्य निर्णय करबा को अछि। तो अनन्य समाधान जो रही छि ता पई हमरो जो सूत्र होउछि a1 / a2 डज नॉट इक्वल टू b1 / b2 ठीक अछि। तो एही परिस्थिति हेले जाई अनन्य समाधान संभव। तो आमे देखिबा समीकरण दुईटी रे a1 कोन एही जो समीकरण रही छि एठारे a1 होउछि x रो सहग फर्स्ट समीकरण a1 4 तापर b1 हेउची y रो सहग k c1 हेउची 8 तापर समीकरण 2 रे a2 हेउची 2 b2 हेउची y रो सहग 2 एवं c2 हेउची ध्रुवक 2। तो हमको कोन लिखिबा को छि एई जो हमको शर्त रही छि अनन्य समाधान तो एही शर्त एही समीकरण पूरण करू छि कि नै ताहा देखिबा को अछि। तो तेबे जाय हमको के रो मूल्य मिलि परिबो। तो हमें कोन करबा a1 / a2 a1 हेउछि 4 a2 हेउछि 2 डज नॉट इक्वल टू b1 हेउछि k / b2 हेउछि 2 बुझियला। तो एही शर्त अनुसार हमें a1 a2 एवं b1 b2 रो मूल्य यथा स्थान रे हम बसाई दिले। तो एबे कोन हला 4/2 अछि k / 2 अछि। तो उभय हर रे कोन अछि सेम संख्या अछि तो या को हम कैंसिल कर परबा। तो कोन हला k डज नॉट इक्वल टू 4 अर्थात k रो मूल्य 4 व्यतीत अन्य समस्त संख्या पई कोन हेबो अनन्य समाधान संभव होय। k रो मूल्य एही समीकरण रे 4 हेले यहार अनन्य समाधान संभव होई परबा नाही। अतए कोन लेखि परबा k इक्वल्स टू 4 व्यतीत अन्य समस्त संख्या पई एही समीकरण दुईटी रो अनन्य समाधान संभव बुझेला। तो हमें प्रश्न रे कोन कले हमको प्रश्न रे दिया जाय थिला दुईटी समीकरण एवं के रो केउ मूल्य पई अनन्य समाधान संभव बोली प्रश्न थिला। तो अनन्य समाधान रो शर्त होउची e1 / a2 डज नॉट इक्वल टू b1 / b2। तो एठारे कोन हला k डज नॉट इक्वल टू 4 अर्थात k रो 4 मूल्य व्यतीत अन्य समस्त समाधान अन्य समस्त मूल्य पई यहा अनन्य समाधान संभव अटे। द्वितीय प्रश्न रे प्रश्न रहची 2x + 3y = 13, 1x प्लस 1/y इक्वल्स टू 5 वज्रगुणन पद्धति रे समाधान कर। तो आमे जानिचु जे सह समीकरण रो साधारण रूप होउची a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0 एवं a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। तो किंतु एई जो समीकरण दुईटी दिया जाइछि यहा टिके भिन्न धरण रो दिसुची हमकु किंतु यहा को आमे सहज रे समाधान करि परिबा। तो ए जो 2x रहिची यहा कोन अटे 2 * 1/x
प्लस थ्री इंटू वन बाय वाई इक्वल्स टू थर्टीन अटे तो एठारे मध्य वन बाय एक्स एठारे मध्य वन बाय एक्स रहुछि तो आमे कौन करिबा वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इक्वल्स टू फाइव तो बोथ समीकरण जेहेतु वन बाय एक्स रही तो आम वन बाय एक्स एवं वन बाय वाई को एम ओ एन बोली नहीं जीवा तो कौन नेबा वन बाय एक्स इक्वल्स टू कौन हो गला एम हो गला एवं वन बाय वाई इक्वल्स टू एन हो गला तो ये दुईटी समीकरण परिवर्तित रूप कौन हो जीवा आमर ये दुईटी समीकरण परिवर्तित रूप हो जीवा टू इंटू वन बाय एक्स बदल आम कौन लिखा एम अर्थात टू एम प्लस थ्री वन बाय वाई जगह कौन लिखा एन थ्री एन तो ये थर्टी रही थर्टीन को बाम पट को आणब थर्टीन इक्वल्स टू जीरो एठार कौन हम वन बाय एक्स इक्वल्स टू एम प्लस वन बाय वाई इक्वल्स टू एन तो फाइव एपटे डाण पार्श्वर अच्छे बाम पट को आणले माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो तो एवं आमको समीकरण वन एवं समीकरण टू मिली सारी ठीक अच्छे तो यही दुईटी समीकरण को आम अति सहजरे वज्रगुणन पद्धति समाधान कर वज्रगुणन पद्धति समाधान करने कौन दरकार आमको ए वन इक्वल्स टू टू बी वन इक्वल्स टू थ्री सी वन इक्वल्स टू माइनस थर्टी ठीक अच्छे ठीक से हीपरि ए टू इक्वल्स टू एम रही अर्थात ए टू रूल्य कौन हम ए टू हो टू कौन हो एन रही तो एन रहग कौन वन एवं सी टू कौन हो माइनस फाइव तो यह होगा आम उपयुक्त जहाँ आवश्यक वज्रगुणन पद्धति समाधान करने जहाँ आमको आवश्यक था ए वन रूल्य ए टू रूल्य बी वन बी टू रूल्य एवं सी वन सी टू रूल्य एवं आम वज्रगुणन पद्धति अति सहजरे समाधान कर वज्रगुणन पद्धति सूत्र हूँ एम बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल्स टू एन बाय सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल्स टू वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन तो एबे आमे उपयुक्त जगह उपयुक्त मूल्य प्रयोग करवा ठीक अच्छे तो एबे कौन हम एम बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बी वन सी टू ठीक अच्छे बी वन थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस बी टू सी वन वन इंटू माइनस थर्टी इक्वल्स टू एन बाय सी वन ए टू सी वन हूँ माइनस थर्टीन ए टू हूँ टू माइनस सी टू ए वन सी टू हूँ माइनस फाइव इंटू ए वन हूँ सॉरी ए वन हूँ टू एठारे वन ठीक अच्छे इक्वल्स टू वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ए वन हूँ टू इंटू बी टू हूँ वन माइनस ए टू हूँ वन बी वन हूँ थ्री एवं यह आम समाधान करवा तो कौन हम एठार एम बाय थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस वन इंटू माइनस थर्टीन हम ठीक अच्छे इक्वल्स टू एन बाय माइनस थर्टीन इंटू वन माइनस थर्टीन माइनस माइनस टेन इक्वल्स टू वन बाय टू इंटू वन टू माइनस थ्री तो एवं यह आम समाधान कले कौन हम तो एम एम बाय माइनस फिफ्टीन माइनस माइनस थर्टीन इक्वल्स टू यह कौन हो एम बाय माइनस फिफ्टीन प्लस थर्टीन
इक्वल्स टू एन बाय माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू 1 बाय 2 माइनस 3 माइनस 1। तो माइनस 15 प्लस 13 इक्वल्स टू माइनस 2। तो यह आम लिखिपर एम बाय माइनस 2 इक्वल्स टू एन बाय माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 1 बाय 1 माइनस 1। तो यह मिलीगला आमको एम यहाँ मिलीगला बज्जक गुणन समाधान। तो एवे आमे कौन नहीं थिला 1 बाय x समान m नहीं थिले। तो m रो मूल्य जहाँ हेबो ताकु 1 बाय x रे प्रकाश करबा को छि। तो प्रथमे आमे m n रो मूल्य बाहर कर दिबा। तो m बाय माइनस 2 इक्वल्स टू n बाय माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 थिला। तो m रो मूल्य कौन हेबो एठारे m बाय माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 अर्थात m इक्वल्स टू माइनस 2 इनटू माइनस 1 2। ठीक से ही करी n इक्वल्स टू कौन है जो आमरा 3 बुझेला। m ओ n रा मूल्य आमको मिली सारी ची कौन m ओ n रा मूल्य कौन अछि m इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 3 अर्थात m कौन निया हितला m 1 बाय x इक्वल्स टू m निया हितला अर्थात 1 बाय x इक्वल्स टू 2 implies that x equals to कौन हेबो 1 by 2। ठीक से ही परे हमें इठारे लिखी पारिबा इठारे मु करि देउची n equals to 1 by when या हितला एवं n नामक कौन मिली छी 3 मिली छी। तो 3 equals to 1 by y implies that y equals to 1 by 3। तो यहाँ ऐला वज्रगुणन पद्धति रे x एवं y रा समाधान। तो एठारे हम कोन लिखि परबा x एवं y रा मूल्य x इक्वल्स टू 1 बाय 3 कॉमा y इक्वल्स सॉरी x इक्वल्स टू 1 बाय 2 एवं y इक्वल्स टू 1 बाय 3। तो इहा हला एही समीकरण दुईटी रो समाधान। ठीक अछि तो आज रो वीडियो रे केवल एतिकि। वीडियो टे पसंद आसले वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।